हम यह जानते हैं कि कोई भी वस्तु ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां चीजें नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। हम जब भी किसी पहाड़ी के रास्ते पर नीचे से ऊपर की ओर गाड़ी को ले जाते हैं ना, तो हमें गाड़ी को गियर में डालना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ गाड़ी न्यूट्रल में ही अपने आप पहाड़ के नीचे रास्ते से ऊपर की ओर चली जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारा चैनल भी अपने आप नीचे से ऊपर चला जाए। जम्मू कश्मीर के लद्दाख के लेह शहर से 30 किलोमीटर दूर पर लेह कारगिल हाईवे पर सड़क का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां अगर आप वहां गाड़ी न्यूट्रल में भी रखोगे ना, तो गाड़ी अपने आप नीचे से ऊपर की ओर जाने लगेगी। यह पूरा क्षेत्र पहाड़ियों से भरा हुआ है, इसे लद्दाख के मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पानी भी नीचे से ऊपर की ओर बहती है। यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर देने के लिए कुछ मिथ यानी अंधविश्वास और कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले गांव वालों के अनुसार उस क्षेत्र में कभी स्वर्ग जाने का रास्ता हुआ करता था। जो स्वर्ग जाने के योग्य होता था वह इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ खींचा चला जाता था, और जो स्वर्ग के योग्य नहीं होता था वह वहाँ नहीं जा पाता था। हाँ, यह एक अंधविश्वास है, लेकिन साइंस इस मैग्नेटिक हिल के फेनोमेनन को इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि यहाँ के पहाड़ियों में बहुत सारा मैग्नेट भरा पड़ा है, जिसके कारण यहाँ के पहाड़ गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचती है। जब भी कोई हवाई जहाज यहाँ से गुजरता है तो हवाई जहाज को यहाँ पर झटका लगता है। इसका कारण यहाँ के पहाड़ों में मौजूद मैग्नेट को बताया गया है, इसीलिए ऐसी जगह को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। ऐसे ही मैग्नेटिक हिल गुजरात के भुज के काला डूंगर और तुलसी श्याम में भी मौजूद है। इसी तरह से मैग्नेटिक हिल ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, अमेरिका और भी बहुत सारे देशों में मौजूद है। इन पहाड़ों में मैग्नेट होने वाली थ्योरी इस मैग्नेटिक हिल के फेनोमेनन को कुछ हद तक तो समझाती है, लेकिन यह समझा नहीं पाती कि आखिर पानी भी इन रास्तों पर कैसे ऊपर की ओर बढ़ती है। मैग्नेट को पानी पर तो कोई प्रभाव नहीं हो सकता, इसीलिए साइंटिस्ट ने इस मैग्नेटिक हिल के फेनोमेनन को एक ऑप्टिकल इल्यूजन बताया। यानी जितने भी चीजों को हम ऊपर जाते हुए देखते हैं ना, असल में वे हमारे आंखों का भ्रम होता है और वे सारी चीजें नीचे आ रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि वे सारी चीजें ऊपर की ओर जा रही है। ऐसी घटनाएं वहाँ होती है जहाँ पहाड़ियाँ होती है। इतनी सारी पहाड़ियाँ होने के कारण हमें यहाँ पर कहाँ ढलान है और कहाँ ऊंचाई, इसका सही से पता नहीं चल पाता है। हमें जहाँ ढलान लगता है वहाँ असल में ऊंचाई रहती है, और जहाँ ऊंचाई रहती है वहाँ हमें ढलान नजर आता है। हम लोग ऊंचाई और नीचे हमेशा आसपास के चीजों को देखकर ही समझते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की ऑप्टिकल इल्यूजन वाली बात भी मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी यह सवाल उठता ही है कि पहाड़ी के केवल इस छोटे से भाग में ही ऐसा क्यों होता है, पूरी लंबी सड़क पर क्यों नहीं होता, और हवाई जहाज का उस क्षेत्र में गुजरने पर झटका क्यों लगता है। इसका कारण तो ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं हो सकता, इसीलिए अभी भी इस पर रिसर्च की जरूरत। आपको इसका कारण क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इसी तरह की मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।